अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों ते भराओं ते वीरों ते मित्रों। लो जी, अज मैं पहली बारी जिंदगी च ताड़ी लैके आ रहा वा सरदार दियां गल्लां। सरदार दियां गल्लां एवें बैठे बैठे जहन च आया कि तुहाडे नाल कुछ गल्लां अपनियां सांझियां करिए, ते ओह एवें हो सकदियां मीडिया दे थ्रू, क्योंकि अजकल सोशल मीडिया इन्ना फैलिया होया है कि बंदा जंगल च चले जाए तो घर वाले ने गल कर सकता है। बस ऐसे करके लॉकडाउन के हालातों को देखते हुए मैं सोचा क्यों ना मैं कल्ला रहना, मेरा इत्थे कोई नहीं है। मैं एक वर्कर हाँ, सोशल वर्कर, तो बहुत दूर अपने घर तो रहना, तो मैं सोचा कि तुहाडे नाल सोशल मीडिया के जरिए साझा हो रहा। जिवें कि तुहानूं पता है अजकल करोना का मसला चलता पिया है, मसला चल ही रहा है, करोना ने तो किसी नूं चलन जोगा छड्डिया ही नहीं। तो इस मौजू ते अज गल करते हैं। अबीरो एक गल तो दसो मैनू यार, आपां घर वाले दे कोल भी रहने हैं तो घर वाले तो दूर भी रहने हैं, पर घर वाले दे दिल च नहीं रहिंदे। इहदी वजह की हो सकती है कि आपां सुबह शाम दोपहर तीन टाइम खाते तो है गए हैं, पर कभी सोचा नहीं जिहड़े हत्थां ने बनाया है उन्हां दे बारे। ते मेरे भराओ, यह दिन अगर लॉकडाउन ने ना तो समझ लो लॉकडाउन नहीं, तुहाडे वास्ते जन्नत है, और तुहानूं जन्नत दे विच अल्लाह ताला ने दाखल कर दिता, और ये दाखला तुहानूं तुहाडियां करतूतां दी वजह तों मिलिया है, जिहड़ियां आपां घर वाले तों दूरियां, रब तों दूरियां, तो बुराइयां वल वादा कीता होया सी। ते मेहरबानी करो, अगर अल्लाह ने तुहानूं जन्नत च बिठा दिता है ना, इस जन्नत दे माहौल नूं समझो। अगर तुहानूं इस जन्नत दे विच चेंजिंग नज़र आ रही है कि तुहाडा घर जन्नत नहीं गया दोजक बनिया होया, अज तुहाडे कोल मौका है, इत्थे बैठ के तुसीं अपने घर दे इस माहौल नूं सैट कर सकते हो, अपनी जन्नत नूं फिर जन्नत बना सकते हो जिहड़ी इस टाइम दोजक बनी हुई है। छोटियां तों लै के वड्डियां तक, तो वड्डियां तों लै के फिर छोटियां तक, एक एक चीज़ नूं नोट करो कि कीड़ी कीड़ी गलती साढ़े को हो रही है। देखो मोबाइल हाथ च हुंदा, बंदा मोबाइल च लग गया, सुबह मोबाइल च, शाम मोबाइल च, माँ कोल बैठी तरस जाती आ कि मेरा बेटा एक मिनट लई मोबाइल दे विचों निकले और मेरे नाल हम कलाम होवे। जिहड़ी माँ ने 9 महीने पेट च रखिया तुहाडी तकलीफ झली, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ 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 ਝਾਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਚੰਦਰਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸ ਪੈਸਾ ਰਹੂ, ਇੰਜੈਸ਼ ਹੀ ਰਹੂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਂ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ,
मेरे भैन भरा ने मेरे तो बहुत दूर ने, मैं कारोबार लिए बहुत दूर निकलिया होया वा। मैनू पूछो उन्हां दी कमी की होंदी आ। अज देख रहे हो कमरे च ये ऑफिस है मेरा, मैं बैठा वा तो मैं सोच रहा कि घड़ी होवे मैं अपनी माँ के कोल चले जाँ, कि गली होवे मैं अपने भरावों को चले जाँ। तो हाथ जोड़ के कहना तुहानू मौका मिले उन्होंने समझण का, उन्होंने नाल रहण का, इन मिस ना करो। जो हो सके कोई मेरी गल गलत लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के अपने वीरों को, अपने मित्रों को, अपने भैन भरावों को माफ़ी मांगता, पर यह मौका ना जान ना दो। समझो गुरु की चाहते हैं, रब रखा। Yeah, I can't lie.